राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मिस्ड वन मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने किया कमाल। रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को किया धराशाही, पर राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के आगे हुए चारों खाने चित, जिसके बाद आरआर और केकेआर के मैच में जारी है रोमांच और मुकाबले में आएंगे अभी कई और नए मोड़। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे केकेआर के गेंदबाजों ने दिए राजस्थान रॉयल्स को शुरुआती झटके, फिर सैमसन ने खेली कप्तानी पारी और मुकाबले को किया मजेदार। टाटा आईपीएल के डू और डाई मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने इन फॉर्म राजस्थान रॉयल्स थी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नाइट्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद इस सीजन शानदार गेंदबाजी कर रहे उमेश यादव ने अपने स्पेल के दूसरे ही ओवर में देवदत्त पड्डीकल को कैट एंड बोल्ड के जरिए पवेलियन की राह दिखाई और केकेआर को शुरुआती ब्रेक थ्रो दिला दी। 7 के स्कोर पर ही रॉयल्स को पहला झटका लगा, पर इसके बाद इनफॉर्म जॉस बटलर और संजू सैमसन ने एक सधी हुई साझेदारी निभाई। हालांकि पहले 4 ओवर में रॉयल्स की गाड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी, पर 5वें ओवर में कप्तान संजू ने उमेश यादव को 2 चौके लगा दिए और रन गति बढ़ाई। फिर युवा लेफ्ट आर्म स्पिनर अनुकूल रॉय के दूसरे ओवर में सैमसन ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और राजस्थान ने 38 रनों पर पावर प्ले खत्म किया। कोलकाता के गेंदबाज आज काफी सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जिसके कारण सैमसन और बटलर जैसे आक्रामक बल्लेबाज भी खुलकर खेलने में नाकाम हो रहे थे। रजवाड़ों ने 50 का आंकड़ा 9वें ओवर में जाकर हासिल किया, पर इसी ओवर में टीम सऊदी ने खतरनाक बटलर को 22 के नीचे स्कोर पर चलता कर केकेआर को बड़ी कामयाबी दिलाई। बटलर और सैमसन ने दूसरे विकेट के लिए 48 रनों की पार्टनरशिप की, पर बटलर के आउट होने से पूरी जिम्मेदारी कप्तान के कंधों पर आ गई थी। पहले 10 ओवर में रजवाड़ों ने केवल 62 रन बनाए थे, फिर अगले ओवर में संजू ने गियर बदलते हुए तेज गेंदबाज शिवम मावी को 2 चौके लगाए और रन रेट बढ़ाने का प्रयास किया, पर केकेआर के कप्तान ने चालाकी दिखाते हुए 12वें ओवर में सुनील नारायण को लगा दिया, जिससे रन गति पर फिर लगाम लग गई। हालांकि दूसरे एंड पर बल्लेबाजी के लिए आए करुण नायर 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। उन्हें युवा अनुकूल राय ने अपनी आखिरी ओवर में चलता किया, जिसके बाद 90 के स्कोर पर रॉयल्स को तीसरा झटका भी लग गया, लेकिन सैमसन की पारी जारी रही और राजस्थान के कप्तान ने 38 गेंदों में सीजन का दूसरा अर्धशतक ठोक दिया और 15 ओवरों के बाद राजस्थान रॉयल्स ने 100 के आंकड़े को पार कर लिया है। और जिस तरीके से कप्तान संजू सैमसन खतरनाक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं, हेटमायर का आना बाकी है और इस मुकाबले में अभी काफी जान बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मुकाबले को कौन सी टीम जीतने में कामयाब होगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।